कर मित्रों, जो भी लोगों को अपनी ये वेबसाइट में इश्यू आ रहा है कि जिनका डैशबोर्ड वगैरह नहीं दिख रहा है, तो उनको सिंपल सा जाना है, गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रोम के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, जिसको आप प्रेस करने के बाद आप हिस्ट्री में जा सकते हो। आपको हिस्ट्री में जाना है और हिस्ट्री में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लियर ब्राउजिंग डेटा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद बेसिक में सारे टिक होने चाहिए, जिसमें कि कैचे इमेज फाइल कुकीज़ एंड साइट इमेज बेसिक हिस्ट्री, ये तीनों के ऊपर टिक कर दो और इसमें लास्ट आवर की जगह पे ऑल टाइम का कर दीजिए। और उसके बाद आपको एडवांस में जाना है, जिसमें ऑटो फिल डेटा और सेव पासवर्ड, उन दोनों को टिक नहीं करना है। उसके अलावा सारी चीज़ों को आपको टिक करके क्लियर डेटा दे देना है। जैसे ही आप क्लियर कर दोगे तो आपका ये जो ओपन नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा चीज़ ओपन होना शुरू हो जाएगा। नया टैब ओपन कर दीजिए, जिसमें आपको यसबिज लिखना है। जैसे ही आप यसबिज लिखते हो, गूगल की वेबसाइट पर चले जाओगे। इधर वेबसाइट का एक ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, जो अपना वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। और इधर से आपको क्लिक करके साइन इन कर सकते हो, और आप यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हो। ठीक है।